साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी पर। आज का टॉपिक ये है कि हम NIOS के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, क्या वो इंग्लिश और या हिंदी मतलब मीडियम बदल के एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर उन्होंने एडमिशन हिंदी में लिया है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, या उर्दू में लिया है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, या इंग्लिश में लिया है तो उर्दू में या हिंदी में दे सकते हैं। यानी ले कहने का मतलब ये है कि दूसरे उसमें दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ताकि हर तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो है प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं पहले, अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ले लिया है और आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे देंगे, वहाँ पे बोर्ड पे दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा। और अदरवाइज़ किसी और लैंग्वेज में देना है, हिंदी के अलावा उर्दू में देना है, पंजाबी में देना है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि भाई हम इस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज में दे दीजिए। अब रही बात ये थ्योरी की, थ्योरी के अंदर क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अपना, तो वहाँ पे जो आप शीट भरेंगे, जो शीट होती है उसके अंदर जब भरेंगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन होगा, एक कॉलम होगा कि आप अपना एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, या अदर। अदर के अंदर आप डाल दीजिएगा उर्दू, पंजाबी, जिसमें आप देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और रही बात के मार्कशीट की, मार्कशीट में आप देख सकते हैं मार्कशीट के अंदर क्या होता है कि लैंग्वेज नहीं लिखी हुई आती कि भाई बंदे ने पेपर जो दिया वो किस लैंग्वेज में दिया। टेंथ के अंदर जो है वो लिखा हुआ आता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आती है, सब लिखी हुई आती है, लेकिन ये नहीं लिखा आता कि भाई किस लैंग्वेज में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आपकी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई आती, तो इसके लिए बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में ले लिया या हिंदी में ले लिया है और आप किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, और आप दे सकते हैं और अच्छे से। लेकिन एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने भर रखा है हिंदी में और आप उर्दू में देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ट्रांसलेट करके नहीं देगा, क्योंकि पेपर तो दो ही लैंग्वेज में आएगा ना, हिंदी में या इंग्लिश में, आपको खुद से ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई जो है आपने पेपर देने को कह दिया कि भाई मैं तो इस लैंग्वेज में पेपर दूंगा या उस लैंग्वेज में पेपर दूंगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि भाई आप जिस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं उसी हिसाब से आप जो है पेपर दे दें, ठीक है? तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो NIOS से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिए, उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो